हेलो एवरीवन, मैं गणेश आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद गणेश में। गाइस, मैं आप सबके लिए 11th क्लास के हिस्ट्री में लेकर आया था और इसके जो हम चार पार्ट कर चुके हैं और ये आपका पांचवा पार्ट है। और हिस्ट्री का हम जो चैप्टर कर रहे थे 10th चैप्टर, जिसका नाम था मूल निवासियों का विस्थापन। और इससे पहले जो है हमने चार पार्ट करा है, उसको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाकर आप देख लीजिएगा। वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे आज हम बात करेंगे और पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि ऑस्ट्रेलिया में हमने अमेरिका और कनाडा के बारे में पढ़ लिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो मूल निवासी थे वहाँ के उन लोगों के साथ किस तरीके का बर्ताव यूरोपीय लोगों द्वारा किया गया है और उन लोगों को वहाँ से विस्थापित करने के लिए यहाँ हटाने के लिए किस तरीके का व्यवहार जो है वो किया था उन्होंने। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में जो मानव निवास का इतिहास रहा है वो भी बहुत ज़्यादा पुराना रहा है, जैसे कि उत्तरी अमेरिका और कनाडा में रहा है। ठीक उसी प्रकार का इतिहास अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में भी रहा है। ऑस्ट्रेलिया में आदि मानव जो है 40,000 साल पहले आने शुरू हुए थे, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जो लोग हैं वो 40,000 साल पहले आने लगे थे। और ये लोग आए कहाँ से थे, तो ये लोग जो आए थे वो न्यू गिनी से आए थे, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ एक भू सेतु से जुड़ा हुआ था। तो ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो यहाँ का जो मानव निवास का जो इतिहास रहा है वो क्या रहा है, काफ़ी लंबा रहा है, वैसा ही जैसा कि अमेरिका और कनाडा में रहा है। ऑस्ट्रेलिया में जो आदि मानव जो लोग हैं वो कब आने शुरू हुए थे, तो 40,000 साल पहले आना उन्होंने शुरू किया था। और ये आए कहाँ से थे, तो ये आए थे न्यू गिनी से, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ एक भू सेतु के साथ जुड़ा हुआ था। अगर हम देखें 18वीं शताब्दी के अंत में ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासियों के करीब 350 से 750 समुदाय थे, यानी कि 18वीं शताब्दी के आसपास में ऑस्ट्रेलिया में 350 से 750 समुदाय थे जिनकी अपनी एक अलग अलग भाषा थी। और आज भी ऑस्ट्रेलिया में करीब 200 बोलियां आज भी बोली जाती है, यानी कि जब ऑस्ट्रेलिया में लोग आकर बसना शुरू हुए थे 18वीं शताब्दी के आसपास में, अगर हम देखें तो वहाँ पर करीब से करीब 700 से 750 बोलियाँ बोली जाती थी और उतने ही समुदाय, अलग अलग प्रकार के समुदाय ऑस्ट्रेलिया में बसे हुए थे। लेकिन वर्तमान समय में 200 के आसपास में अभी भी वहाँ पर अलग अलग बोलियाँ बोली जाती है। देसी लोगों का एक विशाल समूह उत्तर भारत में, उत्तर ऑस्ट्रेलिया में रहता था, जिसे टॉरस स्ट्रेट यानी टापूवासी कहा जाता था। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये बन के आ सकता है कि टॉरस स्ट्रेट या टापूवासी किसे कहा जाता था, तो टॉरस स्ट्रेट या टापूवासी ऑस्ट्रेलिया के उन लोगों को कहा जाता था जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में रहते थे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की आबादी बहुत ज़्यादा बिखरी हुई है, यानी कि बहुत ज़्यादा छितराई हुई है, और आज भी वहाँ पर ज़्यादातर जो शहर है वो समुद्र तट के किनारे बनाए गए हैं। समुद्र तट के किनारे इसलिए बसे हुए हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अगर आप बीच का मिडल पार्ट देखोगे तो मिडल पार्ट जो है वो एक तरीके से मरुस्थल है। इस वजह से चूंकि वहाँ पर पैदावार नहीं हो सकता, फसलें, कृषि योग्य भूमि वहाँ पर है नहीं, इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया में आज भी जो ज़्यादातर शहर है या फिर जितने भी इंडस्ट्रीज हैं या फिर कृषि संबंधी जो भी उद्योग हैं वो सारे कहाँ पर हैं, तो वो समुद्र तट के किनारे ही बसे हुए हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय सेटलर, जिसको आबादकार भी बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय सेटलर और मूल निवासी और उनके जमीन के बीच के जो आपसी रिश्ते हैं वो बिल्कुल दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों की तरह ही है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जो मूल निवासी हैं और जो वहाँ के जो मूल निवासी थे दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के, उन लोगों का रिश्ता जहाँ पर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में जैसे सेटलरों के साथ रिश्ता था, ठीक उसी प्रकार से रिश्ता यहाँ पर भी देखने को मिलता है। हालांकि होता क्या है कि जब यूरोपीय लोग जब ऑस्ट्रेलिया में आना शुरू करते हैं, जब ऑस्ट्रेलियन लोगों का आगमन ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया में जो है मूल निवासी जो थे ऑस्ट्रेलिया के, वहां पर जब यूरोप से अलग अलग लोग देशों से जब लोग आने लग जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में जो लोगों का रवैया था, जो वहाँ के जो मूल निवासी थे उनका रवैया बाहरी लोगों के प्रति ज़्यादा अलग नहीं था, वो उसको खतरे के रूप में नहीं देख रहे थे। लेकिन 18वीं और 19वीं शताब्दी में, या फिर हम कहें 19वीं और 20वीं शताब्दी के आसपास में, जब ऑस्ट्रेलियन लोगों को वहाँ से मारा जाने लगा, ऑस्ट्रेलियन लोगों के ऊपर ज़्यादा हमला किया जाने लगा और
जब उनके साथ युद्ध हुआ, बाहरी लोगों के साथ जब मूल निवासियों का युद्ध हुआ, झगड़े हुए, तो उस झगड़े में करीब से करीब 90% जो लोग हैं ऑस्ट्रेलिया के, जो मूल निवासी हैं, वो मारे जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में जो आते हैं सेटलर, या फिर जिसको हम कहते हैं आबादकार, तो उसमें एक कैप्टन कुक भी जो थे, उनका ब्यौरा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के प्रति बहुत अच्छा था। उनका मानना था कि वहाँ के जो लोग हैं बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं। परंतु जब मूल निवासियों ने कैप्टन कुक की हत्या कर दी, तब ब्रिटिशर्स का रवैया जो है दोबारा से इनके प्रति चेंज हो जाता है, और उनका जो नज़रिया था ये सोचने का कि जो ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं वो अच्छे हैं, उनका रवैया जो है बाहरी लोगों के प्रति अच्छा है। परंतु जब मूल निवासियों ने वहाँ के जो जो कैप्टन कुक था उनकी जब हत्या करते हैं, तो ब्रिटिशर्स का नज़रिया जो है पूरी तरह वहाँ से बदल जाता है। ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादातर आबादकार जो हैं वो कहाँ से आए थे, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जो बाहर से आने वाले जो लोग थे वो ज़्यादातर कहाँ से आए थे, तो वो ज़्यादातर आए थे इंग्लैंड से। और इंग्लैंड से वो लोग थे जो निर्वासित होकर आए थे, निर्वासित इन द सेंस जिनको देश से निकाल दिया गया था। यानी कि ऑस्ट्रेलिया में के ज़्यादातर आबादकार यानी जो सेटलर थे वो कहाँ से आए थे, इंग्लैंड से आए थे निर्वासित होकर। और इनके कारावास पूरा हो जाने के बाद इंग्लैंड न वापस जाने की शर्त पर उन्हें यहाँ पर रहने के लिए ऑस्ट्रेलिया में आज़ादी दे दी गई थी। और उन्हें ये कहा गया था कि आप अगर जो है इंग्लैंड में वापस नहीं आते हैं तो आप जो है ऑस्ट्रेलिया में अपनी ज़मीन वगैरह इकट्ठा करके, अपनी ज़मीन वगैरह कब्जा करके, और वहाँ पर अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जी सकते हैं। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया में जो है आबादकारों की तादाद धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। ऑस्ट्रेलिया का आर्थिक विकास अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया का आर्थिक विकास अमेरिका से बिल्कुल अलग था। यहाँ की अर्थव्यवस्था का विकास भेड़ों के विशाल फॉर्म, खाने, मदिरा बनाने हेतु अंगूर के बाग, गेहूं की खेती और काफ़ी परिश्रम के बाद विकसित हुआ था। लेकिन अगर हम उत्तरी अमेरिका में देखें आर्थिक विकास वहाँ पर, तो वहाँ पर जो गोल्ड रश हुआ था, जहाँ पर जो सोने की खान जो मिलने की जो एक अफवाह जो उड़ी थी, इसकी वजह से वहाँ का जो आर्थिक विकास है वो बहुत ज़्यादा हो गया था, वहाँ की संरचना जो है बहुत ज़्यादा विकसित हो गई थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अगर आर्थिक विकास देखें तो ऑस्ट्रेलिया का आर्थिक विकास कैसा था, तो यहाँ पर जो है फॉर्म बनाए गए, खाने बनाई गई, मदिरा बनाने के लिए जो है अंगूर के बाग विकसित किए गए, उसके बाद में गेहूं की खेती गई, यानी कि बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया का आर्थिक विकास होता है। 1911 में ऑस्ट्रेलिया की एक राजधानी बनाने की योजना चल रही थी, और उस टाइम पर जो योजना बनाई जा रही थी उसमें वूल विट गोल्ड का नाम सुझाया गया था ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बनाने के लिए, परंतु अंततः उसका नाम कैनबरा रखा गया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी बनाई गई वो कैमरा बनाया गया। और कैनबरा जो है वहाँ का एक स्थानीय शब्द है कैमरा, उससे मिलकर बना हुआ है, और जिसका अर्थ होता है सभा स्थल। यानी कि ऑस्ट्रेलिया में 1911 में एक राजधानी बनाने की योजना चली, और उस टाइम पर जो नाम सुझाया गया था वो क्या नाम सुझाया गया था, वूल विट गोल्ड, लेकिन उसको नहीं बनाया गया, और अंततः एक नई राजधानी बनाई गई जिसका नाम था कैनबरा, और आज भी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और कैनबरा शब्द जो है इसका क्या अर्थ था, तो इसका अर्थ था सभा स्थल, जहाँ पर लोग इकट्ठे होकर सारे डिसीजन, सारे निर्णय लेते थे। तो ये था ऑस्ट्रेलिया के बारे में आज। आई होप कि ये आपको वीडियो थोड़ा समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आगे की वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिएगा थोड़ा। तब तक के लिए बाय बाय।